हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम नूह ज़िले के बारे में जानेंगे। वर्तमान में पहले इसका नाम जो है मेवात था, अब जो है इसका नाम नूह हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्राचीन नाम देख लेते हैं। इसका प्राचीन नाम सत्यमेव पुरम पुरम जो है इसका प्राचीन नाम था, और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 2005 को 20वें जिले के रूप में हुई। 20वें जिले के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई, और उपनाम इसका जो है इसको मेवो की नगरी कहते हैं। मेवो की नगरी, इसको मेवो की नगरी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ की जनसंख्या जो है 10,89,263 है, और जनसंख्या घनत्व जो है 723 वर्ग किलोमीटर में प्रति जो है जनसंख्या घनत्व है। और यहाँ के प्रमुख उद्योग जो है लचीले खिलौने बनाने का प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षण है केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और उत्पादन केंद्र है यहाँ पर लचीले जो बनाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य उद्योग जो है यहाँ पर सरसों के तेल एवं आटे चक्के की जो है आटे की बहुत सारी इकाइयाँ लगाई हुई हैं यहाँ। तो इस तरह के प्रमुख उद्योग हैं सरसों के तेल और आटे की इकाइयाँ हैं, और लचीले खिलौने बनाने का प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र जो है यहाँ पर है। ये यहाँ के प्रमुख जो है उद्योग हैं। इसके अलावा यहाँ के देख लेते हैं पर्यटन स्थल और दर्शनीय स्थल कौन से हैं। प्रमुख स्थल जो है आगे स्थल फर्स्ट है चूही महल। चूही महल तालाब है, काफ़ी एरिया में जो ये फैला हुआ है। इसका जो है निर्माण चूहिमल सेठ था, एक धनी सेठ थे, उसने जो है इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर उस समय जो है सूखा ग्रस्त जो ये एरिया होता था, तो काफ़ी हद तक इसकी क्षतिपूर्ति इस तालाब से हो गई। वहाँ से सिंचाई के रूप में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता था। इसके अलावा यहाँ पर सामूसा की मज़ार है, जो अकबर के समय बनाई गई थी। अकबर के समय जो है इसका निर्माण किया गया था। ये सामूसा जो थे ईरान से थे, और ये जो है निजामुद्दीन ओलिया, जो निजामुद्दीन ओलिया थे जो इसके मुरीद थे सामूसा जी। निजामुद्दीन ओलिया दिल्ली के जो है वो थे, हजरत थे, सूफी हजरत थे ये।
तो ये जब इनसे मिलने आए तो इसके मुरीद थे, तो ये इनसे मिलने आए तो इन्होंने कहा मुझे जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि आप दिल्ली के दक्षिण में चले जाए, दिल्ली के दक्षिण में। जो जिस स्थान पर भी आपका जो है पल्लू जो है अटक जाए वही आपका मुकाम होगा। तो ये दिल्ली के दक्षिण में चले गए, वहाँ पर इन झाड़ियों में एक जगह इनका जो पल्लू अटक गया और वहीं पर इन्होंने अपना मुकाम मान लिया। तो आज वो गांव है पल्ला गांव, पल्ला पाड़ा भी बोल देते हैं, पल्ला पाड़ा, पल्ला गांव है। जो वहाँ पर इनकी जो है मज़ार वगैरह ये जो है बनी हुई है शेर मूसा की, शाह मूसा की। इसके अलावा देख लेते हैं, मेवात क्योंकि पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पर जो है सबसे कम साक्षरता दर है। और तो इसके लिए मेवात विकास बोर्ड का गठन किया गया था, मेवात विकास बोर्ड। का गठन जो है किया गया था 1980 में। वर्तमान में राज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, और उपाध्यक्ष जो सीएम है। तो ये मेवात के विकास के लिए ये मेवात विकास बोर्ड बनाया गया था 1980 में। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थल तावड़ू है यहाँ पर, तावड़ू, तावड़ू के जो है गुम्बद है, गुम्बद है जगह जगह तावड़ू में गुम्बद। यहाँ पर तावड़ू का किला भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तावड़ू का किला है और गुम्बद है जो जगह जगह बने हुए हैं, इनमें कब्रें हैं। तो ये काफ़ी जो है ऐतिहासिक स्थल है, अकबर के समय का है जो है, अकबर ने जो है यहाँ पर निर्माण करवाया था इन सभी गुम्बद वगैरह का, ये जो भी ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर कंट्री गोल्फ कोर्स, कंट्री गोल्फ कोर्स है यहाँ पर, जो अपनी तरह का भारत का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स है। ये भी जो है नूह में ही है। इसके अलावा यहाँ का प्रमुख स्थल है फिरोज जिरका। जिरका इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर पहले एक पर्वत था, वहाँ से एक झरना बहता था, तो उसके कारण इसका जो है जिरका नाम जो है बाद में पड़ा। ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल थे। और इसके अलावा कोटला झील जो है, कोटला झील भी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है और ये एशिया की काफ़ी बड़ी झील है। तो ये सब जो है नूह जिले के बारे में था। आशा आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।